हाय व्यूअर्स, बेबी सेंटर चैनल मॉम रेडी में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं पूजा, आपके सामने एक बार फिर से नई जानकारी के साथ। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि अगर आपके घर में एक साल से कम उम्र के बच्चे हैं तो उन्हें रोजाना विटामिन डी का डोज देना ना भूलिए, और एक साल से कम उम्र के बच्चों को किसी भी 3 महीनों में आयरन की डोज देना भी ना भूलिए। चलिए फ्रेंड्स, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो मदर्स बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग स्टॉप कराना चाहती है उनके लिए मैं कुछ टिप्स लेके आई हूँ, कुछ ट्रिक्स बताऊंगी, कुछ होम रेमेडीज बताऊंगी जिनको फॉलो करके आप आसानी से बच्चे का ब्रेस्ट फीड छुड़वा सकते हैं। तो क्या है वो ट्रिक, ये जानने के लिए वीडियो को जरूर देखते रहिएगा एंड तक, वीडियो को बिना स्किप किए। लेकिन दोस्तों, से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन सी वो चीजें हैं जो आपको अप्लाई नहीं करनी चाहिए बच्चे से ब्रेस्ट फीडिंग छुड़वाने के दौरान, क्योंकि कई बार जो है लोग सजेस्ट कर देते हैं कि आप ये लगा लीजिए तो इससे बच्चा ब्रेस्ट फीड लेना स्टॉप कर देता है। इसमें सबसे पहली चीज जिसको आपको बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना है वो है विक्स। विक्स जैसी चीज आपको अपने बच्चे की ब्रेस्ट फीडिंग की आदत को छुड़वाने के लिए बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। दूसरा, आपको आयोडक्स वगैरह भी यूज नहीं करना चाहिए बच्चे की ब्रेस्ट फीड छुड़वाने के लिए, क्योंकि इन चीजों में दोस्तों बहुत ज्यादा हार्श केमिकल होते हैं, बहुत ज्यादा खतरनाक चीजें होती है। अगर बच्चा इन चीजों को स्वेलो कर लेता है तो कभी भी आप किसी के कहने पर इन चीजों को अपने बच्चे की ब्रेस्ट फीड की आदत छुड़वाने के लिए यूज ना करें। इसके अलावा दोस्तों, नेल पेंट या फिर कुछ इस तरीके का केमिकल जो कि बच्चे की हेल्थ के लिए बिल्कुल सही नहीं है, हार्मफुल हो सकता है, ऐसी चीजों का उपयोग ना करिए, ऐसी चीजों को ट्राई ना करिए। तो विक्स और आइडेक्स जैसी और इसी तरीके की लगभग मिलती जुलती चीजें हैं, बिल्कुल भी यूज ना करिए, क्योंकि ये आपके बच्चे के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर सकती है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि कौन कौन सी वो चीजें हैं जो आप यूज कर सकते हैं। इसमें सबसे पहली चीज है दोस्तों नीम। नीम के पत्ते दोस्तों बहुत ज्यादा कड़वे होते हैं, तो बच्चे को जैसे ही ये कड़वापन मिलता है तो बच्चा जो है इससे दूर भागने लगता है। तो आप नीम के पत्तों को यूज कर सकते हैं ब्रेस्ट मिल्क छुड़वाने के लिए। इसके लिए आपको करना क्या है कि आपको नीम के पत्ते कुछ ले लेने हैं और उन्हें अच्छे से वॉश करके उन पत्तों को मिक्सी में थोड़ा सा पानी के साथ डाल के अच्छे से पीस लीजिए, एक अच्छा सा पेस्ट बना लीजिए और इस पेस्ट को आप फ्रिज में रख लीजिए, और जब भी आपका बच्चा ब्रेस्ट मिल्क की डिमांड कर रहा हो उससे ठीक पहले आप इससे अपने ब्रेस्ट पे अप्लाई कर लीजिए। तो इस तरीके से आप नीम का सहारा ले सकती हैं। नीम जो है अपने आप में बहुत अच्छी चीज होती है स्वास्थ्य के लिए और आपकी त्वचा संबंधी रोगों के लिए भी। तो ये अगर बच्चा स्वेलो कर भी लेता है तो इससे कोई दिक्कत बच्चे को नहीं होने वाली है। कंटिन्यूअसली 2-3 दिनों तक नीम को इस तरीके से यूज करेंगी तो बच्चे की ब्रेस्ट फीड करने की आदत छूट जाती है। दूसरी चीज दोस्तों वो है पुदीन हरा। तो दोस्तों, अगर आपको कहीं नीम नहीं मिल रहा है, क्योंकि नीम के पेड़ जो होते हैं कई बार आपको नहीं मिलते हैं, आपके घर के आसपास नहीं होते हैं, तो आप लिक्विड वाला पुदीन हरा जो होता है उसे यूज कर सकते हैं। लिक्विड वाला जो पुदीन हरा वो आपको केमिस्ट की शॉप में आसानी से मिल जाता है, वो आप लीजिए और उसे तब तब आप अप्लाई करिए जब जब आपका बच्चा दूध की डिमांड कर रहा हो। तो पुदीन हरा की स्मेल और इसका टेस्ट जो होता है ये भी बच्चे को ब्रेस्ट फीड करने से रोक सकता है, रोकता है कई बार, तो बच्चा जो है दूध की आदत को इस तरीके से भी छोड़ देता है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखें कि जब भी आप इन चीजों को अप्लाई कर रहे हैं और बच्चा जो है दूध नहीं पी रहा है तो उसका पेट सॉलिड चीजों से भर जाना चाहिए, अदरवाइज बच्चा बहुत ज्यादा क्रैंकी हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है और उसे कुछ समझ में वैसे ही नहीं आता है कि ये सब हो क्या रहा है, मुझे क्यों इन चीजों से दूर किया जा रहा है। इस वजह से बच्चा कई बार दुबला पतला हो सकता है और ये माँ के लिए भी बहुत ज्यादा परेशानी की बात हो जाती है। तो जब भी आप ब्रेस्ट फीड छुड़ाने की कोशिश करते हो सबसे पहले तो अपना जो है माइंड सेट कर लीजिए कि हाँ मुझे ब्रेस्ट फीड छुड़वाना है, और इससे पहले क्या क्या प्रिपरेशन आपको करनी है ये मैं आपको आगे की आने वाली वीडियोस में बताऊंगी कि क्या क्या प्रिपरेशन आपको करनी चाहिए। चलिए अब तीसरी बात करते हैं। तीसरी चीज जो है वो आप यूज कर सकते हैं वो है करेले का जूस। जी हाँ दोस्तों, करेले की सब्जी घर पे हम लोग बनाते रहते हैं, तो करेले को जब हम पील करते हैं तो उसका जो छिलका निकलता है वो बहुत ज्यादा कड़वा होता है। करेले का जूस जिस तरीके से निकाला जाता है उसका जूस भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर करेले के जो छिलके होते हैं उनको हल्के से पानी के साथ आप स्क्वीज करके किसी कटोरी वगैरह में रख के फ्रिज में स्टोर कर लीजिए। जब भी आपको लगता है कि आपको इसको अप्लाई करना है बच्चे की ब्रेस्ट फीड छुड़वाने के लिए तो आप इसे अप्लाई कर लीजिए, तो इस तरीके से भी बच्चा ब्रेस्ट फीड करना छोड़ देता है। चौथी चीज दोस्तों कोई फूड आइटम नहीं है। चौथी चीज जो मैं आपको बताने वाली वो है बैंडेज। बैंडेज का सहारा लेकर भी आप बच्चे का ब्रेस्ट फीड छुड़वा सकती हैं। फ्रेंड्स, इसके लिए कंडीशन यही है कि बच्चा थोड़ा छोटा हो तभी वो इस चीज से डरेगा। अगर बच्चा 2 साल से बड़ा हो चुका है तो वो शायद से इस चीज को समझ जाए कि नहीं, ये कुछ चीज लगी है, मैं इसको निकाल के मिल्क पी सकता हूँ। बच्चा अगर 1.5 साल से छोटा है तो वो डर जाएगा कहीं ना कहीं कि मम्मी को हर्ट हो गया है, तो इस वजह से वो आपके पास आने से कतराएगा। बच्चा जो है इसे देख के कुछ समझ नहीं पाता है वो, और इस तरीके से बच्चा ब्रेस्ट फीड करना छोड़ सकता है।
अब दोस्तों लास्ट में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग जो ट्रिक है वो आप अपना के बच्चे का ब्रेस्ट फीड छुड़वा सकते हैं। और ये जो ट्रिक है ये मुझे किसी डॉक्टर ने बताई थी, पीडियाट्रिशियन ने बताई थी। जब मैं डॉक्टर के पास गई थी तो मैंने डॉक्टर से पूछा था कि मैं बच्चे का ब्रेस्ट फीड किस तरीके से छुड़वा सकती हूँ, तो उन्होंने मुझे बहुत ही ईजी सा एक ट्रिक बताया था, तो जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आपको अगर अपने बच्चे की ब्रेस्ट फीड छुड़वानी है तो आप अपने बच्चे से कम 24 घंटे तक दूर रहें, यानी कि आप जो है उसके बिल्कुल भी पास ना आए, यानी कि एक दिन आपको बच्चे के बिल्कुल भी पास नहीं आना है, बच्चे को अपने पास नहीं आने देना है। आप चाहें तो अलग कमरे में सो सकते हैं, बच्चे को अलग कमरे में सुला दीजिए उसके फादर के साथ। तो इस तरीके से जब पूरा एक दिन हो जाएगा, या एक से थोड़ा ज्यादा दिन भी हो सकता है, 1.5 दिन हो सकता है, 2 दिन हो सकता है, इस तरीके से अगर आप कोशिश करेंगे तो बच्चा जो है तुरंत ब्रेस्ट फीड लेना छोड़ देता है। आप इसे जरूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको इससे फायदा हुआ है या नहीं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। हमारे इस चैनल मॉम इन इंडिया में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंजॉय विद योर लव्ड वंस।